दोस्तों, राजू सर के नाम से इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स MCQ की वीडियो की इस कड़ी के अंदर अगला वीडियो हम लेके आए हैं और हमारी MCQ कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले, ए प्राइमी पेरस वुमन हैज रिसेंटली गिवन बर्थ टू ए टर्म इन्फेंट, है ना। टर्म इन्फेंट का यहाँ पे बर्थ है। प्रायरिटी टीचिंग फॉर द क्लाइंट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन, क्या आपका टीचिंग पर्पज वहाँ रहेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टीचिंग्स वहाँ पे क्या देंगे, देखिएगा। क्वेश्चन जो है उसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या सिचुएशन दे रखी है। सबसे पहले खास बात तो इस क्वेश्चन में है कि जो वुमन है वो प्राइमरी पेरेंट्स है, इसका मतलब उसने सबसे पहली बार बर्थ दिया है बच्चा, फर्स्ट टाइम इस तरीके का पॉसिबिलिटी हो पाई है। और ये बच्चा जो है वो टर्म है, ये ऑप्शन हमें कहता है, टर्म इन्फेंट हमें कहता है कि बच्चे में किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। टर्म इन्फेंट ज्यादातर नॉर्मल होते हैं और किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन दिया हुआ भी नहीं है। तो आपकी प्रायोरिटी टीचिंग क्या रहनी चाहिए, तो आपको इस सवाल को पढ़ के ये समझ लेना चाहिए कि एक बच्चा बर्थ हुआ है और जो कि विदाउट एनी अबनॉर्मलिटी है, और उस समय जब कोई अबनॉर्मलिटी नहीं हो तब टीचिंग हमारी प्रायोरिटी में क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के बारे में उसको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन देंगे। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे। तीसरा है इन्फेंट बाथिंग के बारे में बताएंगे। चौथा है इन्फेंट स्लीप वेक साइकिल के बारे में बताएंगे। नाउ देखिएगा, ये जो चार इन्फॉर्मेशन है इसमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक डिजीज कंडीशन है और ये कब नॉर्मलिटी है, तो ये इस तरीके का भय मदर के अंदर क्रिएट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप उसके बारे में समझा रहे हो कि ऐसे ऐसे हो जाता है, वो टर्म बेबी है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कभी भी प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन, क्या तो ये कोई प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं कि आप सबसे पहले उसको बीमारी के बारे में समझा रहे हो, इससे उल्टा मदर जो है वो फियरफुल हो जाएगी और उसको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो ये नहीं होता है। फर्स्ट 24 आवर्स में बाथिंग नहीं कराना होता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा समझाना अभी यहाँ पे ये प्रायोरिटी बेस नहीं है। और स्लीप वेक साइकिल जो है वो बच्चा ऑटो रेगुलेट करता है और उस बच्चे में एक सेट ऑफ पैटर्न है जो हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स के अंदर। तो बेसिकली ये तीन बातें जो है बिल्कुल अबनॉर्मल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हालांकि ये बच्चे के अंदर की जाती है, लेकिन आपको जवाब जो है वो सवाल के अनुसार देना है, उसके आधार पर ये तीनों बातें गलत है। लेकिन हर बच्चा, हर टर्म इन्फेंट जो है उसके बर्थ होने के बाद में मदर प्राइमरी पेरेंट्स है तो उसको पता नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग कब कराना है, क्यों कराना है, कितना कराना है और कितना जरूरी है। तो इसकी टीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो जाती है। टेक्निक कैसी होती है, क्योंकि ये सारी बच्चे का ग्रोथ जो है फीडिंग के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हमारा प्रायोरिटी एक्शन रहेगा, उसके बारे में मदर को इन्फॉर्म करें। क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इन ए टर्म इन्फेंट वुड कॉज द नर्स टू नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। दैट मींस कि आपने असेसमेंट किया और क्या फाइंडिंग मिली टर्म नियोनेट के अंदर कि आप जो है उसको तुरंत नोटिफाई करेंगे, इसका मतलब कुछ अबनॉर्मलिटी आपको वहाँ पे मिली जब आप वहाँ पे बच्चे को जो है असेस कर रहे हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ अबनॉर्मल बात वहाँ पे देखने को मिली है। फर्स्ट वन इज द एबसेंट ऑफ टीयर्स इन ऑल टर्म नियोनेट और जो है प्री टर्म जो भी बच्चे बर्थ होते हैं उसमें टीयर्स जो होते हैं वो फर्स्ट 3 मंथ तक जो है एबसेंट रहते हैं, क्योंकि लैक्राइमल डक्ट और वो ढंग से बन नहीं पाते हैं, तो ये कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। सेकेंड वन, प्यूपिलर कॉन्स्ट्रिक्शन टू ब्राइट लाइट, प्यूपिल अगर लाइट से कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो ये नॉर्मल है। पर्ला एक मिनोमिक्स हम पढ़ते हैं, प्यूपिल इक्वल राउंड और रिएक्ट टू लाइट, तो ये जो प्यूपिल है ये रिएक्ट टू लाइट है, और अगर प्यूपिल जो है वो रिएक्ट टू लाइट है तो ये कोई अबनॉर्मलिटी नहीं मानी जाती है, तो ये नॉर्मल फिनोमिना वहां पे देखने को मिलता है। तीसरा है अनइक्वल साइज कॉर्निया, कॉर्निया का साइज जो है वो अनइक्वल है, प्यूपिल जो है उसका साइज इक्वल होना चाहिए। प्यूपिल प्यूपिल जो है वो राउंड रिएक्ट टू लाइट एंड इक्वल, है ना। प्यूपिल जो होता है वो इक्वल होना चाहिए, राउंड होना चाहिए और रिएक्ट टू लाइट होना चाहिए। तो प्यूपिल इक्वल नहीं है तो ये गड़बड़ है, ये कॉर्निया अनइक्वल साइज का, तो ये अबनॉर्मलिटी है, तुरंत इन्फॉर्म करने जैसा साइन है। लास्ट वन, रेड सर्किल ऑन द प्यूपिल विद ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसको रेड रिफ्लेक्स कहते हैं। रेड रिफ्लेक्स हमारी वीडियो की कड़ी में सबसे पहला वीडियो जो है रेड रिफ्लेक्स के बारे में ही आप जरूर पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड रिफ्लेक्स क्या होता है और कैसे असेस करते हैं, और रेड रिफ्लेक्स है, रेड रिफ्लेक्स का बर्थ के समय प्रेजेंट होना नॉर्मल होता है, अगर ये नहीं है तो ये कंजेनाइटल कैटरेक्ट को इंडिकेट करता है, तो ये नॉर्मल है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो सी यहाँ पे आंसर रहेगा, अबनॉर्मलिटी के बारे में बताया है और अनइक्वल साइज का कॉर्निया जो है एक अबनॉर्मलिटी है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तो अनइक्वल साइज कॉर्निया अगर आप वहां पे मिल रहा है न्यूनेटल असेसमेंट में तो इट शुड बी इनफॉर्म। तो परला मिनोमिक्स आपको याद रखना है, प्यूपिल कैसा होना चाहिए इक्वल, और अनइक्वल है तो गड़बड़ है, राउंड होना चाहिए, रिएक्ट टू लाइट होना चाहिए, और एकोमोडेशन का मतलब होता है जब आप ब्राइट लाइट और डिम लाइट में जाते हैं तो कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन वहां पे प्यूपिल का देखने को मिलता है।
बेस्ट टेस्ट फॉर लीवर डिसफंक्शन, तो आपको यहाँ पे लीवर डिसफंक्शन का पता करना है कि इसका बेस्ट टेस्ट क्या है। तो बेस्ट टेस्ट फॉर लीवर डिसफंक्शन में एसजीपीटी, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलरुबिन और पीटी, ये चार ऑप्शन दिए हुए। एसजीपीटी, या इसको हम जो है दूसरा इसको जो नाम दे सकते हैं हम एएलटी भी कहते हैं इसको। ये लीवर के एंजाइम्स होते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है ये प्रोटीन है। सीरम बिलीरुबिन जो होता है ये जॉन्डिस को इंडिकेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो ब्लीडिंग या क्लोटिंग मैकेनिज्म के बारे में बताता है। नाउ लीवर जब डिसफंक्शन होता है तो लीवर के एंजाइम सबसे बेस्ट टेस्ट इंडिकेट होते हैं, मतलब एंजाइम गड़बड़ है तो लीवर गड़बड़ है। बिलीरुबिन जो होता है वो इमोलाइटिक एनीमिया में भी बढ़ जाता है, इमोलाइटिक, और इमोलाइसिस की वजह से अगर बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है और जॉन्डिस हुई है तो उसमें लीवर डिसफंक्शन नहीं है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, इसलिए बिलीरुबिन वहां पे आंसर नहीं बनता है। एल्ब्यूमिन और पीटी जो होता है ये लीवर डायरेक्टली लीवर से संबंधित नहीं है, हालांकि ये चारों ही टेस्ट जो होता है वो लीवर से संबंधित है, लेकिन बेस्ट जब आंसर पूछा जाता है तो लीवर के एंजाइम, वन इज एसजीपीटी एंड सेकेंड वन एसजीओटी जिसको हम एएसटी भी कहते हैं। तो ये दोनों एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये रेज है इसका मतलब लीवर जो है वो डिसफंक्शनिंग है, तो एसजीपीटी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, न्यूनेट इज बोर्न बाय प्राइमरी सीजरियन सेक्शन एट 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, द टेम्परेचर इन द बर्थिंग रूम इज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट और 21 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द टेम्परेचर एट द बर्थिंग रूम, इट शुड बी मेंटेन बिटवीन 23 to 28 टू प्रिवेंट हीट लॉस। तो स्लाइटली टेम्परेचर लोअर साइड में है तो हीट लॉस हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कन्वेक्शन तरीके से, कन्वेक्शन मेथड से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्शन आप लेंगे? देखो हीट लॉस के चार मेथड होते हैं, रेडिएशन, वन इज रेडिएशन, सेकेंड वन इज कंडक्शन, कंडक्शन, थर्ड वन इज कन्वेक्शन एंड फोर्थ वन इज इवापोरेशन। इवापोरेशन, ये चार मेथड आपको याद रखने हैं। हीट लॉस का सबसे बड़ा मेथड होता है रेडिएशन, है ना, सबसे बड़ा मेथड रेडिएशन है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से, है ना, जो एनवायरमेंट है वो कूल या जो है हॉट है उसके आधार पे हीट का लॉस होता है, वो रेडिएशन है। 60% मेथड इससे हीट का लॉस होता है। कंडक्शन जो होता है उसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, इसमें इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, ये दो बात याद रखनी है। रेडिएशन में तो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, मतलब कॉन्टेक्ट नहीं होता है फिर भी होता है, तो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहते हैं अपन इसको, और ये डायरेक्ट टच के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन इन कंडक्शन देर इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। एंड इवापोरेशन के अंदर जो है वेट, है ना, बॉडी वेट होती है और उसकी वजह से हीट का लॉस होता है, तो ये तीन मेथड जो है वो यहाँ पे इस तरीके से होते हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और वेट होने से। कन्वेक्शन मेथड जो होता है वो एयर मेथड पे काम करता है, एयर, है ना, कूल एयर और हॉट एयर की वजह से हीट का लॉस होना, ये एयर मेथड पे काम करता है कन्वेक्शन मेथड। तो यही पूछा है हीट लॉस का कन्वेक्शन मेथड कौन सा है। फर्स्ट वन है ड्राई द न्यू नेट क्विकली आफ्टर बर्थ, दिस इज द इवापोरेशन, तो ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि आपको कन्वेक्शन के बारे में बोलना है, और अगर आप ड्राई कर रहे हैं तो ये इवापोरेशन मेथड से हीट का लॉस रोका जा रहा है। सेकेंड वन है कीप द न्यू नेट अवे फ्रॉम एयर कंडीशनिंग वेंट, अवे एयर कंडीशनिंग वेंट से दूर रखना, दैट इज कन्वेक्शन, जो एयर से हीट का लॉस कराता है, ये एयर मेथड पे काम करता है। थर्ड वन प्लेस द न्यू नेट अवे फ्रॉम आउटसाइड विंडो, है ना, आउटसाइड जो विंडोज है उनसे न्यू नेट जो है उसको दूर रखना। एंड नेक्स्ट वन है प्री वार्म द बेड, बेड को जो है प्री वार्म करना है। अब देखिएगा प्री वार्म द बेड जो है वो कौन से मेथड पे काम करेगा, कंडक्शन मेथड पे। अब दो दो ऑप्शन यहाँ पे एक ही तरह के लग रहे हैं, बी एंड सी। एक ऑप्शन कह रहा है कीप द न्यू नेट अवे फ्रॉम द एयर कंडीशनिंग वेंट, एक बोला जा रहा है प्लेस द न्यू नेट अवे फ्रॉम द आउटसाइड विंडो। नाउ जब हम दोनों मेथड की बात करें, रेडिएशन और कन्वेक्शन मेथड की, तो रेडिएशन मेथड जो होता है वो बेसिकली एनवायरनमेंट जो है उसके कूल होने से होता है, और कन्वेक्शन मेथड जो होता है वो एयर आने से, फ्रॉम विंडो और फ्रॉम डोर्स और समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप बच्चे को एयर कंडक्शन वेंट से दूर रख रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट से उसको इनडायरेक्टली जो है कोल्ड से एक्सपोज होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, तो वो मेथड तो है रेडिएशन मेथड, और आप विंडो से अवे रख रहे हैं इसका मतलब आप एयर लगने से रोक रहे हैं। तो इन दोनों ऑप्शन की बात करें तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है वो रेडिएशन मेथड के लिए जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो किसके लिए जाएगा, कन्वेक्शन मेथड के लिए। तो यहाँ पे बी से ज्यादा अच्छा आंसर क्या बनेगा, सी, प्लेस द न्यू नेट अवे फ्रॉम द आउटसाइड विंडो, ये कन्वेक्शन मेथड को इंडिकेट करता है, जबकि ये कौन से मेथड को इंडिकेट, रेडिएशन, ये किसको इंडिकेट करेगा, एवापोरेशन, और ये कौन से मेथड को इंडिकेट करेगा, कंडक्शन मेथड को। तो ये तरह तरह के मेथड यहाँ पे काम करते हैं इन द टेम्परेचर रेगुलेशन और हीट लॉस।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, वाइल असेसिंग ए मेल न्यूनेट हुज मदर डिजायर हिम टू बी सर्कमसाइज, मेल चाइल्ड है और उसको सर्कमसीजन के लिए डिजायर्ड है, द नर्स ऑब्जर्व दैट द न्यूनेट्स यूरिनरी मेटर्स अपीयर टू बी लोकेटेड ऑन द वेंट्रल सर्फेस, कौन से सर्फेस पे है, वेंट्रल पेनिस की वेंट्रल सर्फेस पे है, द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज नोटिफाई बिकॉज द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जब पेनाइल ओपनिंग वेंट्रल सर्फेस पे होती है तो उस अबनॉर्मलिटी को क्या कहते हैं, है ना, दो अबनॉर्मलिटी होती है, एक वेंट्रल और एक डोर्सल, तो पेनाइल सर्फेस जब वेंट्रल पे होती है तो उसको क्या कहते हैं, वन इज फाइमोसिस, इट्स नॉट फाइमोसिस, हाइड्रोसिल, इट्स नॉट हाइड्रोसिल, ये दोनों अलग है, अभी हम देखेंगे ये किस तरीके से होते हैं, इन ये जो दो कंडीशन होती है, वन इज एपिस्पैडियसिस एंड सेकेंड वन इज हाइपोस्पैडियसिस, हालांकि ऑप्शन में हाइपोस्पैडियस और एपिस्पैडियस दोनों दिए हुए, तो एपिस्पैडियसिस में एपी एपी मतलब डोर्सल और हाइपो मतलब लोअर, लोअर मतलब वेंट्रल, तो हाइपोस्पैडियसिस का संबंध है वेंट्रल से, ये आपको याद रखना है, ये वेंट्रल पे होती है और एपिस्पैडियसिस जो होती है वो डोर्सल पे होती है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया वेंट्रल सरफेस पे ओपनिंग है तो आंसर क्या बनेगा, हाइपोस्पैडियस, अगर बोला जाए डोर्सल सरफेस पे तो जवाब क्या बनेगा, एपिस्पैडियसिस, और हाइड्रोसील का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इन द इन द स्क्रोटम कैविटी, और फाइमोसिस का मतलब होता है जो फोर स्किन है उसका बैकवर्ड जो है नहीं जा पाना, अनेबल टू रिट्रैक्शन ऑफ द फोर स्किन इज नोन एज फाइमोसिस, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आंसर है जो है वो क्या रहेगा, हाइपोस्पैडियसिस, वेंट्रल सरफेस पे ओपनिंग को क्या बोलते हैं, तो डी इज द करेक्ट वन, अगर हम पिक्चर से देखें किस तरीके से होते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हो दिस इज द हाइपोस्पैडियसिस, वेंट्रल यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो कहाँ पे, वेंट्रल सरफेस पे, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है यहाँ पे, जबकि होनी क्या कहाँ चाहिए, मिड में होनी चाहिए, यहाँ होती है, लेकिन अगर ये यहाँ पे है तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्पैडियसिस, तरफ हो जैसे ये एपी ऊपर तो ये डोर्सल ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं एपिस्पैडियस, दिस इज एपिस्पैडियस, है ना, ऊपर की तरफ जब ये होती है डोर्सल पे तो एपिस्पैडियस, अगर जो है स्क्रोटम कैविटी के अंदर, है ना, दिस इज टेस्टिस और दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, अगर यहाँ पे टेस्टिस में स्क्रोटम कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए और इस तरीके से स्क्रोटम कैविटी हो जाए तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोसिल, ये हाइड्रोसिल कहलाता है, और अगर जो है फोर स्किन जो है वो बैकवर्ड रिट्रैक्ट अनेबल टू रिट्रैक्शन ऑफ फोर स्किन, इसका रिट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइमोसिस, और फाइमोसिस के लिए ऑपरेट किया जाता है सर्कमसीजन, तो ये फाइमोसिस का इमेज है। नेक्स्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब एम्पिसिलिन 100 mg पर केजी पर डोज न्यूली एडमिटेड न्यूनेट, द न्यूनेट्स वेट 1350, हाउ मेनी मिलीग्राम शुड द नर्स एडमिनिस्ट्रेशन, 100 mg पर केजी पर डोज है और ये उसका वेट है तो कितना जो है आप मिलीग्राम जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो वेट जो है वो 1.35 kg है, वेट कितना है 1.35 kg और आपकी डोज कितनी है 100 mg, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.35 kg से तो 0000 और इसके अलावा 531 तो 0531 तो कितना आ जाएगा 135 mg, ये आपका डोज रहना चाहिए सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पिसिलिन, तो ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के एमसीक्यू, कुछ इमेज बेस के और कुछ न्यूनेटल बर्थ के, थोड़ा पीडियाट्रिक बेस एमसीक्यूज थे, आपने और एमसीक्यू को जो है देखने के लिए जुड़े हुए रहिए यूट्यूब चैनल से, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो एमसीक्यू के बारे में तो कमेंट वहाँ पे जरूर डालें, और अगर वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट जरूर करें, और अगला वीडियो हम और एमसीक्यू का लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।